हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान। और अब आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको इग्नू के जो असाइनमेंट है, जो दिसंबर के हैं, जो दिसंबर 2021 में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसको आपको कैसे सबमिट करना है। आपको अपने स्टडी सेंटर पे हार्ड कॉपी लेके जाना है या सिर्फ ऑनलाइन जाके सबमिट कर देना है, इस बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि आपको ये कब तक जमा करना है, लास्ट डेट क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अभी तक जो है एक या दो रीजनल सेंटर ने ही अपनी जो है असाइनमेंट सबमिशन का जो है बताया है कि आपको कैसे जमा करना है। आप सभी को पता है कि कोविड का टाइम चल रहा है, कुछ स्टडी सेंटर हार्ड कॉपी ले रहे हैं और कुछ को स्टडी सेंटर सॉफ्ट कॉपी ले रहे हैं, वो अपने गूगल फॉर्म पर अपलोड करा रहे हैं। जैसा कि जोधपुर और अभी नोएडा रीजनल सेंटर ने अभी तक बताया है, नोएडा रीजनल सेंटर का मैं एग्जांपल देके आपको दिखाऊंगा। तो नोएडा रीजनल सेंटर का जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो गाइडलाइन दिया है उन्होंने कैसे आपको अपना ऑनलाइन असाइनमेंट जमा करने हैं दिसंबर 2021 के। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक लिंक खुल के आएगा। ये इसमें जो है इन्होंने बताया है कि सबसे पहले जो आपका फर्स्ट पेज है उस पर आपका नाम, इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम, कोर्स कोड, रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट और सिग्नेचर होने चाहिए। और उसके बाद जो आपका जो फाइल का नाम है वो सबसे पहले आपका इनरोलमेंट नंबर होगा, और फिर उसके बाद आपका कोड होगा। जैसे अगर कोई MBA का है MS 123, और कोई BAG का है या किसका है, उसका कोड होगा हाइफन लगा के और डॉट लगा के, फिर कैपिटल में PDF। इस तरीके से आपको अपनी सारी PDF बनानी है। सारी PDF बनाने के बाद आपको सिंगल चांस में ही आपको पूरा अपलोड करना है। ये नहीं कि आपने एक असाइनमेंट अपलोड कर दिया, दो असाइनमेंट अपलोड कर दिया, ऐसा नहीं है, फिर आप सबमिट नहीं कर पाओगे। सारे असाइनमेंट, अगर आपके 5 असाइनमेंट है तो 5 एक साथ बनाओ, 10 हैं तो 10 के 10 एक साथ बनाओ। और फाइल जो है वो 10 MB से बड़ी नहीं होनी चाहिए, फाइल का साइज, हर एक फाइल का साइज, ठीक है। तो आपको सिंगल अटेम्प्ट में जिस पूरा अपलोड करना है, मल्टीपल टाइम में आपको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और आपको अपने स्टडी सेंटर वाले जो गूगल लिंक है उसी के ऊपर आपको अपना सबमिट करना है, और किसी और के ऊपर आप सबमिट नहीं करोगे। जैसे आप गूगल फॉर्म खुलेगा उसमें जो आप ईमेल आईडी दोगे उसके ऊपर आपकी एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगी, जनरेट हो जाएगी, आप उसको संभाल के रखना है। वही आपका प्रूफ है कि आपने अपने असाइनमेंट जमा किया है। अदरवाइज जो है कल को असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं हुई तो आप उसको दिखा सकते हो कि भाई मैंने जमा किया है। ये बहुत स्टूडेंट के साथ दिक्कत हो रहा है। उसके बाद आपके जो मार्क्स अपडेट हो जाएंगे टाइम के साथ में। तो ये हर एक सेंटर का गूगल फॉर्म दिया हुआ है, जैसे मैं दे देता हूँ 2738 आपका जो नोएडा PG कॉलेज नोएडा है उसका ये गूगल फॉर्म कहाँ है, और ये सामने वाला गूगल फॉर्म है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके का एक गूगल फॉर्म खुल के आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी दिखाई देगी, और उसके बाद आप अपना ईमेल आईडी को दोबारा भर के, नाम लिख के, इनरोलमेंट नंबर लिख के, प्रोग्राम MP MBA जो भी है, और अपना जो है कोर्स कोड, हर एक कोर्स कोड को, जैसे आपका MS 01 02 जो भी है, EPS जो भी है, उसके हर एक के बीच में आपको कोमा लगाना, 5 कोड है तो 5, 10 है तो 10। उसके बाद रीजनल सेंटर सेलेक्ट कर लेना है, स्टडी सेंटर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। स्टडी सेंटर का नाम लिख देना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, और इस तरीके से आपको अपनी सारी फाइल अपलोड करनी है। इसमें दिखाई दे रहा है सबसे पहले आपका इनरोलमेंट नंबर, फिर हाइफन, फिर आपका जो कोड है, फिर डॉट लगा के PDF, फिर आपका कोमा लगाना, फिर अगला आपको असाइनमेंट। इस तरीके से लास्ट तक आपको सारे कोड लिख देने हैं, यहाँ पे अटैच फाइल कर देना है, ठीक। सारी अटैच फाइल करने के बाद आपको इसको सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से आपको अपना पूरा असाइनमेंट सबमिट कर देना है। तो मैं आपको एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ, ये जो असाइनमेंट सबमिशन है इट्स डिपेंड अपॉन द रीजनल सेंटर। इफ रीजनल सेंटर इज रिक्वायर्ड दैट यू हैव टू डिपॉजिट योर सबमिट योर असाइनमेंट ऑनलाइन ऑन गूगल फॉर्म दैट यू हैव टू सबमिट ऑनलाइन। अदरवाइज इफ रीजनल सेंटर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ असाइनमेंट दैन यू हैव टू सबमिट हार्ड कॉपी, ठीक है। तो हार्ड कॉपी आपका अगर रीजनल सेंटर बोलता है तो हार्ड कॉपी देना है, अगर वो बोलता है कि नहीं आप गूगल फॉर्म पर अपलोड करो तो गूगल फॉर्म पर अपलोड करना है। अभी तक दो रीजनल सेंटर ने बताया है, जैसे नोएडा है, जोधपुर है, तो जो भी रीजनल सेंटर है जैसे वो बोलता है उसी तरीके से आपको चलना है। जहाँ पे कोविड की सिचुएशन है मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो है सॉफ्ट कॉपी ही अपलोड की जाएंगी। इसका गूगल फॉर्म मैं नीचे दे दूंगा नोएडा रीजनल सेंटर वालों को, और वो अपना अपलोड कर सकते हैं। तो लास्ट डेट जो है एज पर जो इग्नू की वेबसाइट के आधार पे जो है वो 30 सितंबर रहता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है तो ये बढ़ते बढ़ते 31 अक्टूबर तक चला जाता है। तो आप टेंशन नहीं लेना, डेट इसकी आगे बढ़ेगी, फ़िलहाल अभी ये 31 सितंबर है। अगर फिर भी आपको कोई इशू आता है तो आप मुझे मेल पे मेल कर सकते हैं, नीचे एक व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है।
और मैं एक नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप सोल्ड असाइनमेंट डाउनलोड करके भी लिख सकते हैं और उसको सबमिट कर सकते हैं टाइम से। अगर किसी के पास फिर भी टाइम नहीं है, कोई वर्किंग है, तो मुझे मेल पे मेल कर सकता है, तो मैं उनकी कुछ ना कुछ हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो और ये थोड़ा जल्दी करो ताकि आपके मार्क्स जो है जल्दी अपडेट हों। और फिर भी अगर आपको कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आप कमेंट कर सकते हैं और कॉल मी फोन पे, मुझे ऐप पे कॉल कर सकते हैं कभी भी आप। कॉल मी फैप ऐप डाउनलोड कर लो और उसमें जो है सेल्फ ज्ञान सर्च करोगे तो आ जाएगी मेरी आइकन, और उस पर कॉल कर सकते हो अगर ज़्यादा इमरजेंसी है तो कोई, अदरवाइज व्हाट्सएप कर सकते हो। तो और किसी भी तरीके की और भी कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, आप कमेंट करें, कोई भी डाउट है इनके अंदर तो कमेंट कर सकते हैं। और ये चीज़ें जल्दी कर लो क्योंकि फिर दिसंबर वगैरह में अगर एग्ज़ाम हो गए तो उनकी भी आपको तैयारी करनी है। और देखो यार, यही रिक्वेस्ट है मेरी कि यार चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार अगर आप मिस करते रहेंगे इन्फॉर्मेशन जो आपसे रिलेटेड है, तो आपको ही नुकसान है और टाइम ज़्यादा है। और जल्द ही मैं जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करने वाला हूँ आपके सिलेबस के आधार पर, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो सके और आप अच्छे मार्क्स के साथ अपनी डिग्री को कम्प्लीट कर सको। तो लगे रहें और अपडेट रहें सेल्फ ज्ञान के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।